व्हाट्स अप गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5। तो जैसा कि आप सभी लोग को याद होगा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने पैसिफिक बैंक में एक बहुत बड़ी चोरी की थी, जिस चोरी के अंदर हम लोगों ने बहुत सारा पैसा और बहुत सारे गोल्ड एंड डायमंड चुराए थे। बट इन सबसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, हम लोगों ने वहां से एक पेंटिंग चुराई थी, जिस पेंटिंग की वैल्यू इन सभी से बहुत ज्यादा है। और वो पेंटिंग हमने अपने लिए नहीं, किसी और के लिए चुराई थी। तो उसको हम लोग लेकर आ चुके हैं लिबर्टी सिटी में और अभी हमें उसे पेंटिंग देने जाना है। अब इस पेंटिंग के बदले वो हमें लॉस सैंटोस के कोर्ट में इनोसेंट प्रूफ कर देगा, यानी हमें बेगुनाह साबित कर देगा और फिर हम लोग चैन की सांस ले पाएंगे, हमें बार बार पुलिस से छुपना नहीं पड़ेगा। फिलहाल ये जो आप गाड़ी देख पा रहे हो ना सामने, इस गाड़ी ने सचमुच में यार बहुत ज्यादा हेल्प करी है। अच्छी बात तो ये है कि गाड़ी में गन लगी हुई थी, तो पुलिस जब हमारे पीछे पड़ी थी हमने उन्हें खूब तोड़ा है इस गन से। फ्रैंकलिन ड्राइविंग कर रहा था, मैं गोलियां चला रहा था और साथ ही ये गाड़ी पानी में भी तैर पाती है। तो हम लोग इसे सीधा लॉस सैंटोस से भगाते भगाते पानी में लेकर आ गए थे लिबर्टी। बट यहाँ पर आकर भाई इस गाड़ी ने दम तोड़ दिया, कीचड़ में इसके चारों टायर बुरी तरह धस गए और 4x4 होने के बाद भी ये गाड़ी भाई आगे नहीं बढ़ पा रही थी। शायद हो सकता है इसका फ्यूल खत्म हो गया हो या फिर किसी पार्ट में दिक्कत आ गई हो, क्योंकि जिस तरीके से धुआं निकल रहा है मुझे तो लग रहा है गाड़ी थोड़ी देर में ब्लास्ट हो जाएगी। फिलहाल हाँ, अभी वो जो बंदा है ना उसे हमें मिलने के लिए बुलाया, वो जो आप सामने देख पा रहे हो ना, पता नहीं ये कोई हॉरर हाउस है इस लिबर्टी सिटी का और यहाँ पर अभी कोई रहता नहीं है और इसी जगह पर उसने हमें मिलने के लिए बुलाया है। तो चलते हैं। और ये जो बैग आप लोग मेरे पास देख पा रहे हो ना, इस बैग के अंदर ये वो पेंटिंग जो कि मुझे ले जाकर उस बंदे को देनी है। और बाय चांस अगर आज ये बैग किसी वजह से खो जाता है या फिर कोई बंदा इसको मेरे से चुरा लेता है, तो फिर माइकल का वापस लॉस सैंटोस जाना इम्पॉसिबल है। सीधी सी बात है यार, वो बंदा बिना पेंटिंग के हमारी कोई हेल्प नहीं करने वाला और लॉस सैंटोस में पुलिस हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है। बाकी एक बार आप लोग सामने देखो तो ये है वो रेंज रोवर जो कि उस बंदे ने हमारे लिए भेजी है सिर्फ इतनी पास आने के लिए। ठीक है, गाड़ी में बैठते हैं, मुझे बैग को संभाल के रखना है। माइकल की जान अटकी हुई है भाई इस बैग में और अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो फिर लाइफ टाइम लिबर्टी सिटी में ही रहना पड़ेगा माइकल को। खैर ठीक है, गाड़ी मैंने स्टार्ट कर लिया है। तो ये जो अबेंडेंट कैसीनो है ना, पिछले 2 दिन से हम लोग इसी के अंदर छुप के रह रहे हैं। फ्रैंकलिन भी अपने साथ में, क्योंकि वही गाड़ी चला कर लाया था। और ये देखो, ये एकदम खट्टारा सी जगह। ऑलराइट, तो फटाफट से गाड़ी को यहीं पर खड़े करते हैं और चलते हैं इस अबेंडेंट कैसीनो की बिल्डिंग के अंदर। फिलहाल लिबर्टी में ना थोड़ी बहुत सर्दी होती है, इसलिए फ्रैंकलिन अपना वहां पर आंख जला के हाथ सेक रहा है। लेट्स गो, चल के फ्रैंकलिन को बताते हैं कि टाइम आ चुका है लॉस सैंटोस जाकर एक लग्जरी लाइफ जीने का, क्योंकि अपने पास बहुत सारा पैसा है, बस सारे क्राइम रिकॉर्ड हटाने हैं ताकि हम लोग मस्त एंजॉय वगैरह कर पाए। बाकी फ्रैंकलिन भी फुल रेडी है। चल भाई, टाइम बहुत कम है, जल्दी से चल के मुझे पेंटिंग वगैरह देनी है, भाग के चलते हैं भाई। सही में अभी बिल्कुल ही रुका नहीं जा रहा है, बस जल्दी से लॉस सैंटोस के कोर्ट में जाके अपने आप को भैया बेगुनाह साबित करना है ताकि हम जितना भी पैसा हमने चुराया ना उन सभी से अच्छे से एंजॉय कर पाए। फ्रैंकलिन भी आकर बैठ चुका है गाड़ी में, गाड़ी को घुमा लेता हूं एकदम आराम से। अब जल्दी से हम लोग चलते हैं हॉरर हाउस पे। मुझे तो भैया डर ये लग रहा है कि कहीं लॉस सैंटोस वालों ने यार पुलिस को लिबर्टी ना भेज दिया चेकिंग वगैरह करने के लिए, इसलिए रोड पे ना मैं थोड़ा बहुत संभाल के चलूंगा। मतलब अभी तो मेन रोड पे नहीं थे, बट ये मेन रोड है और यहाँ पर भाई पतली पतली सड़कें हैं, उस पे भी इतना ज्यादा ट्रैफिक। भैया गाड़ी में ठोक देना यार, बहुत महंगी गाड़ी है, वो भी मेरी नहीं। रुक जाओ आराम से, तू निकाल ले भाई पहले, अब मेरी बारी। चलो भाई, कोई रेड लाइट वगैरह है ही नहीं, समझ ही नहीं आता भाई कैसे कैसे रास्ते हैं भाई, बिल्कुल खतरनाक वाला ट्रैफिक लगा हुआ भाई, सिंगल लेन रोड है उस पर। अरे अरे भाई भाई आराम से यार, ये अपनी ठीक है, ठोकी तेरी भैंस के टांग। इस बंदे ने अपनी गाड़ी ठोक के शीशा तोड़ दिया है, बट ठीक है, ज्यादा पता नहीं चल रहा है उस बंदे को, लेकिन पता चल रहा है। तो वैसे छोड़ो यार, अभी वो हमारा दोस्त है, उसके लिए इतनी महंगी पेंटिंग चुरा के लाया है, वो गाड़ी के शीशे के लिए थोड़ी रोएगा यार। फटाफट, वाह भाई यहाँ के ड्राइवर भाई बहुत खतरनाक है, बेकार जगह भाई ये गाड़ी चलाने के लिए सही में। बाकी जिस जगह पर उसने मिलने के लिए बुलाया है ना, मुझे उसके इरादे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे भाई, कहीं ऐसा ना हो कि पेंटिंग लेके वो मैं मारे डाले सीधा यहीं पे। भाई ये तो कुछ ज्यादा ही बुरा हो जाएगा, थोड़ा बस सोच समझ के गाड़ी लेकर चलता हूँ, जगह तो एकदम शांत लग रही है। वेट, ये सच में बहुत खतरनाक हॉरर हाउस है और वो यहाँ पर आया हुआ है। वो देखो भाई सामने अपनी रॉल्स रॉयस कलीनन जी वैगन, सारे के सारे बॉडी गार्ड्स को लेकर वो यहाँ पर आया हुआ है। गाड़ी खड़ी करते हैं, जल्दी से उतर के इसको पेंटिंग देते हैं और बात कर लेते हैं पूरी की पूरी। तो चलो गाइस, अभी फिलहाल मैंने इसको ये पेंटिंग दे दी है और इसने पेंटिंग कंफर्म करके अपने बॉडीगार्ड को पकड़ा दिया है उसे घर पे भिजवाने के लिए। फिलहाल ये कह रहा है कि तुम दोनों जल्दी से चल के ना गाड़ी में पीछे बैठो, क्योंकि हम लोग जाने वाले हैं लिबर्टी सिटी के एयरपोर्ट पे और इसके प्राइवेट जेट में हम लोग बैठ कर जाएंगे लॉस सैंटोस। लेट्स गो, गाड़ी में मैं आकर बैठ चुका हूँ, ये बॉडीगार्ड से अपना कुछ बातें करके अंदर आएगा। फिलहाल आप लोग ने अंदर से एक बारी गाड़ी का इंटीरियर देखो भाई, कुछ ज्यादा ही लग्जरी कार है यार ये। भाई साहब कितनी ज्यादा रॉयल फील आ रही है भाई इन दोनों गाड़ियों को देखकर, जैसे कोई राजा गाड़ी में बैठकर जा रहा हो। फिलहाल ये रास्ते इतने ज्यादा अजीब है ना, मतलब इन रस्तों पे गाड़ी अच्छी नहीं लग रही, गाड़ी कुछ ज्यादा ही महंगी हो गई है, रस्ते सस्ते लगने लग गए भाई। बाकी ठीक है, अभी पूरा लिबर्टी सिटी हम लोग घूमने वाले हैं इन दोनों गाड़ी में बैठकर। वैसे यार मेन तो हाईवे से हमें एयरपोर्ट पे जाना है और इतने ज्यादा ट्रैफिक में भाई इन दोनों गाड़ियों को कैसे चलाएगा भाई। क्या ठीक है, हम तो चला नहीं रहे, ये ड्राइवर चला रहे, तो हमारी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। गाड़ी ठुकती है तो इनका ही नुकसान होना है, हमारा कोई नहीं होने वाला। बाकी रास्ते में देखो भाई
कितनी सारी महंगी महंगी गाड़ियां भाई यहाँ पर खड़ी रहती है नॉर्मली। ऑल राइट गाइस, तो अभी फिलहाल हम लोग अपनी रोल्स रॉयस लेकर पहुंचने वाले हैं सीधा लिबर्टी सिटी के।